So hello guys, let's discuss the very first problem of this assignment. यहाँ पे आपको पता है अल्फा और बीटा आपके ज़ीरोज़ हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - x + 7k. तो इस लॉजिक से आपको पता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं जो कि -b/a और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है जो कि c/a है, वो यहाँ से आ जाएगा -(-5/2). ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल जब ये हो जाएगा बेटा तो ये आपको मिलेगा 5/2। और सेम वे जब आप c/a देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 7/2। तो पहला लॉजिक तो आपका यही है कि जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है हर क्वेश्चन में। अब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके ज़ीरोज़ 2α + 3β और 3α + 2β हैं। तो जो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो कि आपको पता है, डेट इज़ x² - (sum of zeros + product) होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड सम। ठीक है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आप सम देखेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल हमें चाहिए, क्योंकि इसके ज़ीरोज़ हैं 2α, 3β, 3α, 2β, तो जब आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यू विल सी यहाँ पे जो आपको ऐड करके मिलेगा, 2α में 3α प्लस किया तो ये बना आपका 5α, और 3β में 2β ऐड किया तो ये बना आपका 5β। अब यहाँ से इफ़ आई टेक 5 कॉमन तो ये हो जाएगा α + β, और α + β का वैल्यू आपने अभी देखा था वो था 5/2, तो ये हो जाएगा 5 × 5/2 यानी 25/2। ये तो था आपका सम। वहीं अगर मैं इसके प्रोडक्ट को भी निकालने चलूँ तो आपको पता है प्रोडक्ट में ये इसी 2α + 3β का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3α + 2β के साथ। तो यहाँ पे जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे 2α का 3α के साथ और जब इनटू आप करेंगे तो वो बन जाएगा 6α². वहीं पे जब आप इसी 2α का इनटू 2β से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4 times of α β। अब जब आप 3β और 3α का इनटू करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9α β, और इसी 3β का जब आप 2β से करवाएंगे तो 3 × 2 यानी 6, ये हो जाएगा 6β². ठीक है, अब आप लोग जब बेटा इसको कंबाइन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6α² + β² और यहाँ प्लस में 4 + 9 यानी 13α β हो जाएगा। और फिर आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना है जिसके अकॉर्डिंगली 6α² + β² का वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ टाइम कि ये होता है α + β² - 2α β, और ये प्लस में आपका 13α β एज इट इज़ रहेगा। अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो कुछ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो लेट्स से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये होगा 6α + β² और 6 × 6 जब यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12α β, और 13α β तो यहाँ ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। अब -12α β में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूँ तो यू विल गेट +α β, बिकॉज -12 + 13 इज़ नथिंग बट +1, तो आपको ये मिलेगा। अब आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करना है। आपको पता है α + β होता है 5/2² और α β है यहाँ पे 7/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5² = 25, 2² = 4, और ये हो जाएगा 7/2। फर्दर जब आप इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 3 × 25 = 75, 75 में ये 7 ऐड हुआ तो 82, और 82/2 इज़ नथिंग बट 41।
तो यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं होगा। सो फाइनली जो अब हमें आंसर चाहिए था, जिसमें ये सम प्लस प्रोडक्ट होना था, तो आपको पता है बुक्स में k लिखा जाता है, तो आप k भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस, आपने सम देखा था 25 आया था, तो वो 25 बाई टू आप एज इट इज़ लिखेंगे, और प्रोडक्ट आपका भी 41 आया है, तो आप उसको ऐसे लिखिए, एंड दिस इज़ योर आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा।